हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण फ्रॉम टेक्निकल ट्यूटोरियल पॉइंट। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज जो हमारा सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इसके हम एमसीक्यू कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल की डेफिनेशन क्या है। ऑटोमोबाइल एक सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल्स है जिससे हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग पैसेंजर और मटीरियल को वन प्लेस से अनदर प्लेस पे। ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके ऑटोमोबाइल के, मोटरसाइकिल, कार, जीप, बस, ट्रैक्टर, ट्रक एक्सेट्रा। इसमें से आपका क्वेश्चन बन सकता है डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल्स। इसमें से एक क्वेश्चन आपका वन मार्क्स में बन सकता है 1770 में आपका पहला रोड व्हीकल बना था जो फ्रेंच मैन निकोलस कगनोट ने बनाया था। बट जो इंटरनल कंबस्चन इंजन बना था वो 1880 के अंदर बना था। कब बना था? 1880 के अंदर फर्स्ट इंटरनल कंबस्चन इंजन जो जर्मन और फ्रेंच एफर्ट से बना था। आपको इंटरनल और एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन का डिफरेंस पता ही होगा। उसके बाद जो पहला व्हीकल बना था इंटरनल कंबस्चन इंजन पे, मेड व्हीकल फिटेड विद इंटरनल कंबस्चन इंजन, जो हमारे अब आ रहे हैं सारे इंटरनल कंबस्चन इंजन फिट होके आ रहे हैं आपके व्हीकल्स में, जो पहला आपका इंटरनल कंबस्चन इंजन फिटेड व्हीकल बना था वो 1880 से 86 के बीच में जर्मन बेंच कंपनी ने बनाया था आपका। उसके बाद 85 के अंदर आपका बिल्ट ए ट्राईसाइकिल आ गई थी जो यूरोपियन वर दी फर्स्ट इन दी मेकिंग व्हीकल ट्राईसाइकिल टाइप। 1890 से 1900 में बहुत सारी कंपनी हेनरी फोर्ड, डेमलर, मर्सिडीज़ बेंज बिकेम एंड लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ दी वर्ल्ड। इन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था 1890 से 1900 में। डेमलर हो गई, मर्सिडीज़ हो गई, हेनरी फोर्ड, इन्होंने कार्स वगैरह बनाना में स्टार्ट कर दिया था। और एट दी एंड ऑफ 1900 मतलब 1900 आपकी जो कार है वो अराइव्ड हो गई थी इंडिया के अंदर। पहली आपकी कार आ चुकी थी आपकी 1900 में, आपकी ईयर में आपकी कार इंडिया के अंदर आ गई थी। उसके बाद हम बात करें, अब इसमें से एक क्वेश्चन आपका एक नंबर में आराम से बन सकता है। कोई सा भी वो लिख दे कि भाई फर्स्ट इंटरनल कंबस्चन इंजन कब डिस्कवर हुआ था, फर्स्ट रोड व्हीकल कब हुआ था, बना था, किसने बनाया था। तो एक क्वेश्चन इसके अंदर से डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल में से एक क्वेश्चन ईजिली बन सकता है, डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल में से। मैंने जैसा पहले भी वीडियोस में बताता आया हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि उन बच्चों तक पहुँच पाए जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये होगा, जैसे ही वीडियो बनेगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। एग्ज़ाम चल ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ही आपको मटेरियल की, कि भाई जितना ज़्यादा मटेरियल आपके पास होगा उतना बेनिफिट होगा आपको। अब कुछ कंपनी आ गई हैं, ये कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं आपकी फोर व्हीलर कंपनी जो हैं, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड है, सबको पता है। ये बस इसमें ये देखते रहना कौन सी कंपनी कहाँ है, आपको पता है ये क्या बनाती है क्या नहीं बनाती। मारुति उद्योग गुड़गांव में है। हिंदुस्तान मोटर आपकी कहाँ पे है, ये उत्तरपरा कोलकाता में है, जो इनकी मेन ब्रांच है उनकी बात हो रही है। ये हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड कार बनाती है, एम्बेसडर कार वगैरह हिंदुस्तान मोटर्स की थी। ट्रक बस रेंज है 1 से 7.5 टन के बीच की ये आपकी व्हीकल्स बनाती है। मारुति का आपको पता ही है मैन्युफैक्चरिंग, लाइक आपकी स्टीम हो गई, मारुति जिप्सी हो गई, 800 हो गई, वैगनर हो गई, 500 मॉडल आ रहे हैं वैगनर इसके आपके मारुति के गुड़गांव में। उसके बाद टाटा इंजीनियर एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम टेल्को भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। एक क्वेश्चन इस तरीके का भी बन सकता है। मैन्युफैक्चरर है कार बस ट्रक की और लोकेटेड कहाँ है, जमशेदपुर बिहार और पुणे महाराष्ट्र में। प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड, ये भी आपकी कार कंपनी है, 1 से 7.5 टन की कैपेसिटी कार बनाती है, लोकेटेड है मुंबई में। स्टैंडर्ड मोटर प्रोडक्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये आपकी 1 टन के ट्रक और कुछ कार्स वगैरह बनाती है, ये लोकेटेड कहाँ है आपकी, चेन्नई। यही एक क्वेश्चन बनना है, लोकेटेड कहाँ है। अशोका लीलैंड आपको पता है, जितनी भी आपके हरियाणा रोडवेज हैं अशोका लीलैंड की है, लगभग अशोका लीलैंड की है। लोकेटेड कहाँ पे, चेन्नई में। ट्रक बस बनाती है, 5 से 16 टन की कैपेसिटी की रेंज की बनाती है, क्योंकि खाली बस और ट्रक ही बनाती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा कार, जीप, ट्रक आपकी आपकी ये जो आपकी स्कॉर्पियो महिंद्रा की है, ये लोकेटेड है मुंबई में। होंडा मोटर्स लिमिटेड है, ये ग्रेटर नोएडा में है, कार बनाती है। हुंडई है, ये चेन्नई में लोकेटेड है, ये भी कार बनाती है। डेव मोटर इंडिया लिमिटेड है, ये कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा में है। इसके बाद सनराइज़ ऑटो इंडस्ट्री लिमिटेड है, ये आपकी बेंगलोर में ये कार बनाती है। बजाज टेम्पू लिमिटेड, ये पुणे के अंदर है आपका।
ये फोर व्हीलर टेम्पू बनाता है, रेंज है जिसकी 3/4 to 1.6 टन तक की रेंज के आपके बनाता है टेम्पू। टू व्हीलर मोटरसाइकिल और स्कूटर की अगर बात करें तो पंजाब स्कूटर है, पंजाब स्कूटर लिमिटेड नाभा विजय केसरी है जो उसका। इसके बाद आपकी एस्कॉर्ट लिमिटेड ने कौन सी बनाई थी, राजदूत, बहुत मशहूर हुई थी राजदूत मोटरसाइकिल, फरीदाबाद में है। एटलस स्कूटर लिमिटेड सोनीपत में है, एटलस सोलेक्स स्कूटर बनाया था। स्कूटर इंडिया लिमिटेड कहाँ है, लखनऊ, विजय डीलक्स विजय स्कूटर जिसका नाम था। साउंड यूनियन प्राइवेट लिमिटेड है ग्वालियर में, विकी इसने बनाई थी। अरावली है, अरावली वाहन लिमिटेड जयपुर में अरावली स्कूटर बनाया था। गुजरात मॉल इंडस्ट्री कार लिमिटेड है अहमदाबाद में, जीनर स्कूटर बनाया था। ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड ये कहाँ पे है आपकी, ये मुंबई में है। बजाज ऑटो लिमिटेड ये आपकी कहाँ पे है, ये आपकी पुणे में है, बजाज स्कूटर और मोटरसाइकिल बनाई थी। काइनेटिक इंजीनियरिंग प्रिवेंटेड लिमिटेड ये कहाँ है, पुणे में है, काइनेटिक स्कूटर बनाए थे इसने। इसके बाद आपकी आ जाती है इंडिया ऑटोमोबाइल लिमिटेड जमशेदपुर में है। आंध्र प्रदेश स्कूटर लिमिटेड है ये हैदराबाद में है, एलन पुष्पक इसने स्कूटर बनाया था। इनफील्ड इंडिया लिमिटेड है, इनफील्ड मोटरसाइकिल मशहूर है ये मद्रास में है भाई आपकी। मोपेड इंडिया लिमिटेड है तमिलनाडु, मोपेड लिमिटेड चेन्नई में है, इसने मयूरम मैपेड नाम का स्कूटर बनाया था। इंडिया जावा प्राइवेट लिमिटेड है मैसूर में, कर्नाटका स्कूटर लिमिटेड है बेंगलोर में। इसके बाद आ जाती है आपकी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर, क्वेश्चन आराम से बन सकता है किसी में भी, कौन सी कंपनी कहाँ लोकेटेड है टू व्हीलर की। ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर है स्वराज ट्रैक्टर है, मशहूर है भाई पंजाब ट्रैक्टर मोहाली में है ये। इंटरनेशनल ट्रैक्टर लिमिटेड कौन सा ट्रैक्टर बनाती है, सोनालिका बनाती है, ये तो अधिकतर बच्चों को पता ही होगा जो गांव के बच्चे होंगे कि कहाँ पे है क्या नहीं है। होशियारपुर जालंधर रोड पे है। एस्कॉर्ट लिमिटेड फरीदाबाद में एस्कॉर्ट ट्रैक्टर बनाती है, एस्कॉर्ट की दो है, एक दिल्ली में है वो फोर्ड बनाती है ये रही। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर लिमिटेड न्यू दिल्ली में ये फोर्ड ट्रैक्टर बनाती है और फरीदाबाद वाली एस्कॉर्ट ट्रैक्टर बनाती है, ध्यान रखना। आयशर ट्रैक्टर लिमिटेड है फरीदाबाद में, आयशर ट्रैक्टर बनाती है। HMT है पिंजौर में, जीटर ट्रैक्टर बनाती है आपका। हर्षा ट्रैक्टर लिमिटेड है ये हर्षा ट्रैक्टर बनाती है, ये न्यू दिल्ली में है। हिंदुस्तान ट्रैक्टर लिमिटेड है बड़ौदा में, हिंदुस्तान ट्रैक्टर बनाता है। गुजरात ट्रैक्टर कार लिमिटेड है बड़ौदा में, ये क्या बनाता है आपका, हिंदुस्तान SWD 50। पिटल टूल प्राइवेट लिमिटेड है पुणे में, पिटी ट्रैक्टर बनाता है। किर्लोस्कर ट्रैक्टर लिमिटेड है मुंबई में, ये इंटरनेशनल B275 और B444 आपका ये इस टाइप का आपका ट्रैक्टर बनाता है। इंटरनेशनल ट्रैक्टर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड मुंबई में इंटरनेशनल ट्रैक्टर बनाता है। ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड चेन्नई में है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है लाइट एंड मीडियम कमर्शियल व्हीकल, ये क्या है, स्वराज माजदा की आपने बसेस सबने देखी होगी, स्वराज माजदा की 3 से 6 टन की कैपेसिटी की बसेस एम्बुलेंस वगैरह ये बनाता है, कहाँ पे है, रोपर पंजाब में है। एलन निशान है ये भी आपकी ट्रक बनाती है, प्लांट इज लोकेटेड हैदराबाद आंध्र प्रदेश में इसका प्लांट है। चेसिस क्या होता है, विदाउट द पोर्शन ऑफ ऑटोमोबाइल विदाउट बॉडी इज कॉल्ड चेसिस। नेम द लेआउट चेसिस कंपोनेंट, पावर यूनिट है, प्रोपेलर शाफ्ट, रियल एक्सल है, फ्रंट एक्सल है, फ्रेम है, ब्रेक है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है। पावर यूनिट इंटरनल कंबस्टन इंजन से बनती है, इसके 3 मेन पार्ट है, इंजन तो है ही, क्लच और गियर बॉक्स। MPFI की फुल फॉर्म होती है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, CRDI की होती है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। अब जैसे प्लंगर टाइप फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, इसको CAV फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम भी कहा जाता है। आप बोल दे CAV फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का अनदर नेम, 4-5 नाम दे देगा आपको, एक नाम प्लंगर, आपको आप इसमें प्लंगर को आपको टिक करना पड़ेगा। फिर मैकेनिकल फ्यूल पंप का एक और अंदर नेम है फ्यूल पंप, आल्सो कॉल्ड मैकेनिकल फ्यूल पंप, डायफ्राम टाइप AC फ्यूल पंप। इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप का दूसरा नाम है डायफ्राम टाइप SU फ्यूल पंप। फ्यूल पंप किस लिए काम आता है, लिफ्ट द फ्यूल फ्रॉम फ्यूल टैंक से सप्लाई टू कार्बोरेटर। और फ्यूल फीड पंप क्या करने के काम में आता है, सप्लाई द फ्यूल फ्रॉम फ्यूल टैंक टू फ्यूल इंजेक्शन पंप तक पहुंचाता है। सिंगल होल नोजल में सिंगल होल रहेगा, मल्टी होल में मल्टी, मोर देन वन होल रहेगा।
साइज ऑफ होल जनरली आपका 0.2 mm का होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पिंटल नोजल में पिनफॉर्म का होल होता है, और जब ये स्प्रे करता है तो कोन एंगल आपका बनता है 40° to 60°। मल्टी होल नोजल में पहले ही बता चुका हूँ आपका, मोर देन वन होल होता है इसके अंदर, मल्टी होल नोजल के अंदर। वीडियो ये आपका कंप्लीट हो चुका है, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के MCQ का पार्ट वन था, इसका पार्ट टू भी जल्दी ही मैं वीडियो बना के आपका यूट्यूब चैनल पे डालूँगा। तो आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। थैंक यू वेरी